नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन खरबदा नई दिल्ली से। दोस्तों, जो मैंने आपको 4.1 का जो मैंने आपको दोबारा जो वीडियो दिखाया था, काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आया था, सर टोन की थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आ रही, तो मैंने आपको एक वीडियो बना के यूट्यूब पे मैंने सेंड करा था। तो उसमें मैंने आपको 0 से लेकर 5 नंबर तक मैंने आपको दिखाया था, यानी कि टोटल 6 बैंक दिखा दिए थे। तो मैंने बोला था बाकी के जो 4 बैंक हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आइए, आप आज आपको बाकी की जो मेरे टोन्स रह गई हैं इसकी 4.1 की जो, तो वो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। तो आप उसमें जो भी आप मुझे कोई शिकायत हो या जो भी आपको जैसा लगे, कमी पेशी लगे, मुझे बताएं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो आइए सुनते हैं। सभी में शुरू में आपको मैंने बता ही रखा है कि स्ट्रिंग रहती है। इसके बाद नेक्स्ट टोन है हमारी नेचुरल लीड, मैंने नाम दे रखा है नेचुरल लीड में। तो इसमें आइए देखते हैं क्या बज रहा है। अब नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है हमारा, ये मैंने पुरानी पिक्चर जो आई थी आशिकी, वहां से एक पार्ट मैंने उसमें से एक बनाया है। सैम्पलिंग तो नहीं करी, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश करी है। उसमें काफी गाने बजे हुए हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा है मैंडोलियन। काफी लोगों ने मुझे कहा सर आपने मैंडोलियन नहीं बना रखा, तो इसमें मैंने मैंडोलियन भी ऐड कर दिया है। और ये सुबह सुनते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारी टोन है JBM यामा। ये मैंने यामा कीबोर्ड का एक सिंथ का जो सिंथ और लीड जो थी वो लेके मैंने बनाई है। तो ये भी हम लोग फास्ट नंबर में यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा विस्ले, यानी कि सीटी जो हम मुंह से बजाते हैं, विस्ले की टोन है ये। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा है इलेक्ट्रिक गिटार।
ये हमारी आप लीड में यूज कर सकते हैं, जैसे किसी गाने को बजाना है या आपको म्यूजिक पार्ट उसका बजाना है जो गिटार में बजा हुआ है, तो काफी चीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं, बम्पिंग में भी यूज कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा कॉर्क का सिंथ, कॉर्क जो हमारा PA3 कीबोर्ड आया था, मैंने ये उसमें से एक सिंथ का टोन निकाल के और बाकी इसमें से कुछ लेके एक असेंबल करा है और ये मैंने सिंथ बनाया है। आप सुनिए। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। ये है हमारा अफगानी रबाब, मैं प्योर तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल शुद्ध होगा, बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा असेंबल करके बनाया गया ताकि आपको थोड़ा सा वो टेस्ट जो है आपको एक फ्लेवर मिल सके। तो अफगानी रबाब जैसे पुरानी फिल्मों में भी कुछ बजा हुआ है, या अफगान या जैसे साउथ जो माउंटेनस कंट्री है वहां पर भी यूज होता है। आप सुन के देखिए जरा। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमारा है बेल टोन आपने सुना है। अब इसके अंदर है ये पॉप बेल बनाई गई। ये पुरानी फिल्मों में भी बजा है और नई फिल्मों में भी बजता है। मैं आपको दोनों के छोटे छोटे दोनों के नई का भी कुछ पुरानी फिल्म का भी एक आपको सैंपल देता हूँ और साथ में बीच में एक फीलिंग के लिए मैं स्ट्रिंग का भी पार्ट दे दूंगा, लेकिन मेन जो है मैं आपको ये पॉप बेल का सुना रहा हूँ। आइए सुनते हैं। मैंने आप स्ट्रिंग का एक थोड़ा पार्ट उसमें ऐड कर दिया, हालांकि मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं पॉप बेल का। ये पुराने पिक्चर का था और यही एक पार्ट हमारे एक नई फिल्म में बजा हुआ था। ये था हमारा बेल टोन जो मैंने आपको दिखाया, पॉप बेल का जो टोन था, ये नई फिल्में भी यूज होता है और पुरानी फिल्में भी यूज होता है। आइए हम नेक्स्ट टोन में चलते हैं। ये है हमारा साउथ इंडिया की टोन, जो साउथ इंडिया में एक शहनाई यूज की जाती है। हालांकि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि साउथ की जो बजाने का तरीका है, उनकी टेक्निक है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश करिए जैसे कुछ बजाने का आपको टेस्ट मिल सके। आप जरूरी नहीं कि सिर्फ साउथ इंडियन वाले ही बजा सकते हैं, आप इसको अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज करना चाहें कर सकते हैं। सुनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। ये है हमारा फिल्मी बांसुरी, और बॉलीवुड वाले इस तरह की बांसुरी यूज करते हैं, तो मैंने कोशिश करी है, हो सकता है बिल्कुल वैसे ना हो, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करी टच करने की।
नेक्स्ट में चलते हैं, ये है हमारा अलगोजे। पंजाब साइड में इस इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, पुरानी फिल्मों में भी किया जाता था और आज भी इसका यूज़ है। आइए सुनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा है कॉर्क सिंथ। ये भी कॉर्क में से एक हमारा सिंथ का पार्ट लिया गया, सैंपलिंग करके उसको इसमें डाला गया। आइए सुनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा पंजाब का ही ये भी इंस्ट्रूमेंट है तुम्बी। ये भी काफी यूज होता है आजकल, ये भी देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा पुंगी शहनाई। ये भी आप किसी भी तरह से यूज करना चाहें कर सकते हैं, जागरण में, शो में, कहीं भी कर जाना चाहे बजा सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, ये है हमारा देसी हारमोनियम, यानी कि बिल्कुल प्योर हारमोनियम कह लीजिए। नाम मैंने दिया गया इसको गुरबानी। ये आप कहीं भी यूज करना चाहे कर सकते हैं, गजल में, भजन में, या गुरुद्वारा साहब में ये गुरबानी जब गाई जाती है वहां पर भी यूज होता है। अब इसको कहीं भी बजाना चाहे बजा सकते हैं, पुरानी फिल्मों में भी बजा। मैं आपको छोटा सा दो सैंपल देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा है नाइस पियानो। मैंने इसके अंदर पियानो के काफी सारी टोन्स दी हैं, अलग अलग वैरायटी है, ये नाइस पियानो के नाम से दिए। आइए इसे भी सुनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट में हमारा है बैंक नंबर 8 चल रहा है। इसके अंदर जो मैंने टोन दी है ये ए आर रहमान साहब ने बजा रखी है अपने कीबोर्ड पे, काफी फिल्मों में भी बजाया है, तो कोशिश करिए कुछ वैसे बजाने की।
नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा जूनोजी सिंथ। ये जूनोजी में सिंथ था, इसका थोड़ा सैंपल दिया है। ये हमारे जागरण वगैरह भी यूज करना चाहें, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये टोन बना हुआ सिंथ में ये। नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा ओल्ड ऑर्गन, जो हमारा पाइप ऑर्गन पहले बजता था या लीड ऑर्गन बजता था, तो ये पुरानी फिल्मों में बहुत यूज हुआ है। तो काफी लोगों की डिमांड थी, सर आपने ऑर्गन नहीं बनाया, तो मैंने ऑर्गन का एक ट्राई करिए। आइए सुनते हैं इसका सैंपल। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा सो गुड के नाम से है, होलो गिटार में का एक सैंपल है ये, जो होलो गिटार में जाते थे वही उसका एक सैंपल दे रखा है। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, ये है हमारा दो रास्ते नाम दे रखा इसका, दो रास्ते सॉन्ग के अंदर, एक फिल्म के अंदर मैंने ये एक पार्ट बजा हुआ था। आइए सुनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, मैंने इसका नाम दे रखा है नैना बरसे। ये उसी सॉन्ग पर एक बना हुआ है पार्ट है, जो पुरानी पिक्चर में बजा था। आइए सुनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, ये मैंने नाम दे रखा है माई टेनर। हालांकि ये प्योर सैक्सोफोन है, जो PA300 कॉर्ग में से मैंने सैंपलिंग करा है। तो ये बिल्कुल आपको लगेगा नेचुरल जो सैक्सोफोन है, ये वो चीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट में चलते हैं, ये भी हमारा जो पियानो का एक पार्ट है, ये मैंने कॉर्ग में से एक सैंपलिंग करा है, और ये भी डिफरेंट पियानो है। आइए इसे सुनते हैं।
आज दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमारा फैंटेसिया, ये भी काफ़ी यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें आप सुनिए। दोस्तों लास्ट वाले बैंक में चलते हैं, बैंक नंबर 9। आप इसके अंदर अपनी इच्छा से अपना कोई बैंक बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ से टोन ट्रांसफर करनी है, वो आपको अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोई टोन मेरे से मंगवाता है तो उसको नहीं मालूम, तो मैं उसको बताऊंगा कि आप तो इसके अंदर मैंने कुछ टोन्स बनाई हुई हैं, लेकिन मैंने इसको मेन मकसद था कि इसमें आप अपना बैंक बनाना चाहें तो बना सकते हैं बैंक नंबर 9 को। फिर भी मैंने 2-3 टोन्स इसके अंदर बनाई हैं। बैंक नंबर 9 के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग थोड़ी चेंज करी है, फिल्म स्टाइल में जो स्ट्रिंग बजती है, तो इस तरह से स्ट्रिंग बनी हुई है। और नेक्स्ट बैंड के अंदर मैंने बना रखा है पैड की किट बना रखी है इसके अंदर। ये देखिए, ये मैंने देखा, ये कॉन्गो के पार्ट हैं, या लेफ्ट राइट आप चेक करना चाहें अपने साउंड सिस्टम पे, अपना हेडफोन लगा के, या लेफ्ट एंड यहाँ पे लीड लगा के आप चेक करेंगे, ये राइट में बजेगा, ये लेफ्ट में बजेगा, प्रॉपर लेफ्ट बजेगा। ये पैड किक दे रखी मैंने, और एक ये दे रखा मैंने मूड सैड, तो फ्लूट का पार्ट है, ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप इसको बजाना चाहें, रखना चाहें रख सकते हैं, अदरवाइज अपना इसमें बैंक बनाना चाहें बना सकते हैं। ये रखना चाह सकते हैं यहाँ पर बेस गिटार प्लस होलो गिटार और एक सिंथ पैड। और नेक्स्ट में है हमारा, काफी लोगों ने मुझे कहा था कि आपने क्लैनेट नहीं बना रखा, तो क्लैनेट मैंने से दे दिया है, फुल की के अंदर है, आप बजाना चाहे बजा सकते हैं। नेक्स्ट में मैंने कुछ चीज़ें वही थोड़ी सी मैंने रिपीट कर रखी हैं, बैंजो है, फिल्मी रबाब है, नाइस पियानो है, संतूर का पार्ट दे रखा है, ये एक बांसुरी जो है ये एक अलग है दे रखी है, बांसुरी 5। लास्ट में एक मैंने साउंड इफेक्ट का जो होता है तूफान वेव, तो दोस्तों ये थे मेरे सारे जो बैंक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। बैंक नंबर 9 के अंदर आ गए थे हम, टोटल 10 बैंक इसके अंदर लोडेड हैं। आप 9 वाले बैंक को अपनी मर्जी से बनाना चाहे बना सकते हैं। 20 बैंक मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे टोन इसके अंदर कट नहीं लगता, वो भी लोग कुछ मांगते हैं, वो भी इसी के साथ ही आपको मिलेगा। और कुछ और आपको ज़रूरत हो, कुछ कमी पेशी हो तो मुझे बताएं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। और मेरे चैनल को देखते रहें, और मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद करूंगा आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से। मेरे 1 मिलियन व्यूअर्स हो चुके हैं, 1 मिलियन प्लस हो चुके हैं, और आप इसी तरह साथ देते रहें। मैं आपको कोशिश करता रहूँगा कि और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दूँ, जो टोन्स जितनी हो सकेगी मैं आपको रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करूँगा। कुछ लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जो मेरे सर से ऊपर से निकल जाती है, तो भाई ऐसी मत कुछ डिमांड कीजिए जो पूरी ना हो, तो जो जो मेरे लायक है मैं जरूर पूरी करूंगा। आप मुझे इसी तरह आशीर्वाद देते रहें, प्यार देते रहें। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।